हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम एनवायरनमेंट सेक्शन के चैप्टर नंबर 2 यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। और वैसे अगर देखा जाए इसका वेटेज यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं, लेकिन हाँ वी कैन नॉट से कि अगर इसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी नहीं होगी तो आप एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में परेशानियां झेल सकते हो, क्योंकि ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, चाहे वो टेरिटोरियल इकोसिस्टम हो या फिर आपका मेराइन इकोसिस्टम हो, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, लेक इकोसिस्टम, पॉन्ड्स इकोसिस्टम, ये सब के बेसिक्स फिलोसफी के बारे में आपको जानना जरूरी हो जाता है। और यही आपका बेस मजबूत भी करता है, और आप किसी भी प्रकार के जो क्वेश्चन अगर एनवायरमेंट से रिलेटेड आते हैं तो आप उसे सॉल्व भी कर सकोगे। तो हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में। क्या होता है ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? लैंड बेस्ड कम्युनिटी, टेरेस्ट्रियल का मतलब तो यही हुआ है ना। तो इकोसिस्टम विच इज बेस्ड ऑन लैंड एंड द इंटरेक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड विद द एबायोटिक कंपोनेंट्स विच इज इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल हो या फिर इकोसिस्टम हो, इकोसिस्टम में तो इंटरेक्शंस होते ही होते हैं, लेकिन खास बात यह है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आपका लैंड बेस्ड कम्युनिटी होगा है ना। और ये जो टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो आपके किसी पार्टिकुलर प्लेस में विथ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में मिल सकते हैं। और क्यों मिलेंगे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में? क्यों यूनिफॉर्म टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नहीं हो सकता? बिकॉज देर इज अ टॉपोग्राफी वेरिएशन, देर कैन बी वैलीज इन द टेरेन, माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटू, जिसके कारण टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल ये सब रेगुलेट होती हैं। और फिर ऑल्टीट्यूडनल एंड लैटीट्यूडनल वेरिएशंस, क्वालिटी ऑफ सॉइल, अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन रिसीव्ड, टेम्परेचर रेंज, ये सब कुछ फैक्टर्स होते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कहीं ना कहीं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी वेरिएशंस लाने का रोल अदा करते हैं। अब हमें समझना है एलेंस रूल के बारे में। इसके बारे में हमने चर्चा अपने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था। एलेंस रूल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि एनिमल्स लिविंग इन कोल्डर रीजन हैव शॉर्टर लिम्स। याद रखना है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन एज ए कंफ्यूजन के रूप में आपको दिया जा सकता है और आप ट्रैप हो सकते हो। एलेंस रूल सिंपली सेड, एनिमल्स लिविंग इन कोल्डर रीजन हैव शॉर्टर लिम्स। सिंपली अगर कहें तो स्मॉलर बॉडी सरफेस। क्यों? बिकॉज टू कंट्रोल द लॉस ऑफ हीट है ना। अगर बिगर ईयर होने लगे कोल्डर रीजन में ऑर्गेनिज्म के, तो हीट काफी जल्द डिससिपिएट कर देगा, लूज कर देगा, जो कहीं ना कहीं उस स्पीसीज के लिए, एडेप्टेशन के लिए उचित नहीं होगा है ना। तो एलेंस रूल सिंपली सेज एनिमल्स लिविंग इन कोल्डर रीजन हैव शॉर्टर लिम्स एज एन एडेप्टेशन टू कंट्रोल द डिसिपेशन ऑफ द हीट। और अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। तो टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमें तुंद्रा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, मैंने आपको बोला देयर कैन नॉट बी यूनिफॉर्मिटी। व्हाई? बिकॉज ऑफ दीज अबव सिक्स फैक्टर्स। तुंद्रा में अल्पाइन तुंद्रा हो सकती है, आर्कटिक तुंद्रा हो सकती है, कन्फेरस फॉरेस्ट ये आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो सकता है, टेम्परेट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम तो अनदर हो गई, डेजर्ट इकोसिस्टम अनदर है ही। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आप देख सकते हो ट्रॉपिकल, टेम्परेट, कन्फेरस, और तुंद्रा में आर्कटिक तुंद्रा, अल्पाइन तुंद्रा, और ये जो आपका दो है वैभव। हम एक एक करेक्टरिस्टिक जानेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स की, तो देख सकते हो तुंद्रा का क्या मतलब हुआ। तुंद्रा का अगर हम लेमिन टर्म में बात करें तो बैरन लैंड, और बैरन लैंड इन द सेंस कि यहाँ पर आपको ट्रीलेस रीजन देखने को मिलेगा है ना, ट्रीलेस रीजन वेयर इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर वेरी सीवियर। बिल्कुल सही बात है ना। तो ये याद रखना है आपको, टुंद्रा मींस बैरन लैंड एंड टुंद्रा इकोसिस्टम आर ट्रीलेस रीजन। ट्रीलेस यानी कि यहाँ पर आपको ट्रीज ग्रो करते हुए नहीं दिखेंगे। क्यों? बिकॉज इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर वेरी सीवियर, टेम्परेचर इतना ज्यादा लो होता है कुछ कहने का नहीं, विच इज वन ऑफ द फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। नाउ वी हैव कैरेक्टरिस्टिक हार्श क्लाइमेट कंडीशंस, कोल्ड एंड विंडी, विंटर्स आर लॉन्ग एंड वेरी सीवियर, याद रखना है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ तुंद्रा, विंटर्स आर लॉन्ग एंड वेरी सीवियर, समर्स आर कोल्ड एंड ब्रीफ है ना। और प्रेसिपिटेशन देखें तो यस होता है, लेकिन स्कैंटी रेनफॉल प्रेसिपिटेशन इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्नो, एंड सॉइल की बात करें तो परमाफ्रोस्ट और सॉइल दैट रिमेन्स फ्रोजन ऑल ओवर द रीजन, ऑल बिकॉज ऑफ द डीप इन टेम्परेचर एंड ऑल्सो स्केयर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड लो बायोटिक डाइवर्सिटी, याद रखना है आपको है ना। तो टुंद्रा का खास बात आपको याद रखना है लो बायोटिक डाइवर्सिटी, इसके दो टाइप है,
आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा। तो आर्कटिक और अल्पाइन में क्या अंतर होगा? जब हम आर्कटिक टुंड्रा की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन देखो आप, कैरेक्टरिस्टिक्स वही होंगे लेकिन टाइप डिफरेंट है बिकॉज ऑफ सम डिफरेंसेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम आर्कटिक टुंड्रा की बात करते हैं तो इट एक्सटेंड्स एज ए कंटिन्यूस बेल्ट बिलो पोलर आइस कैप एंड अबव ट्री लाइन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सिंपली अगर कहें तो ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है आपका। ये जो आपका एक तो आपको ही पता है कि एक तो टाइगर टुंड्रा और एक आपका कंप्लीट फ्रोजन होता है ना। तो ये जो आपका आर्कटिक टुंड्रा है वो बेसिकली एक्सटेंड करेगा बिलो द पोलर आइसकैप। बिलो द पोलर आइसकैप सिंपली मीन्स की साउथ ऑफ द पोलर आइसकैप। एंड दूसरा एबव द ट्री लाइन है ना। एबव द ट्री लाइन यानी क्या कि जब हम बात करते हैं एबव द ट्री लाइन तो सिंपली समझो कि द लाइन जिसके ऊपर ट्रीज ग्रो नहीं करती है ना इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये याद रख सकते हो आर्कटिक टुंड्रा की बात करें तो बेल्ट दैट लाइज दैट लाइज बेसिकली साउथ ऑफ द पोलर आइसकैप एंड एबव द ट्री लाइन, या फिर यू कह सकते हो कि नॉर्थ ऑफ द ट्री लाइन है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका ट्री लाइन है यानी कि इसके बियॉन्ड ट्री ग्रो नहीं करेंगे और ये आपका जो है बेसिकली पोलर आइसकैप रीजन है। तो ये जो आपका रीजन बचा ये आपका आर्कटिक टुंड्रा कहलाएगा। और इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट इज लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ अंटार्कटिका एंड फॉकलैंड आइलैंड। और एग्जांपल्स अगर देखें आर्कटिक टुंड्रा की कहाँ कहाँ मिलेंगी, ये अलास्का, कनाडा, रशिया, हायर अल्टीट्यूड में ही मिलेंगी। फ्लोरा आपको याद रखना, देख सकते हैं यहाँ पर कोई ट्रीज नहीं मिलेंगे, मोसेस, लीचेंस, सेजेस, कॉटन ग्रास, सेजेस, ड्वार्फ हेयर, विलोज, बोलचेज। क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर फ्लोरा के टर्म से? मोसेस, लीचेंस, सेजेस, कॉटन ग्रास और विलोज, बोलचेज, ये सब मिल रहा है। फौना की बात करें तो आर्कटिक फॉक्सेस, पोलर बियर्स, कैरिबो, मक्स ऑक्स, ये सब मिल जाते हैं। और अल्पाइन टुंड्रा की बात करें तो अल्पाइन टुंड्रा में क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन? इट इज फाउंड एट एनी लैटिट्यूड इन हाई अल्टीट्यूड एरिया। और एग्जाम्पल्स ऑफ अल्पाइन टुंड्रा क्या हो जाएंगे? याद रखना आपको अल्पाइन टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा देख सकते हो रेस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकल एरिया, अल्पाइन टुंड्रा की हम बात कर रहे हैं तो ये जो है आपको कोई भी लैटिट्यूड में मिल जाएगा बट हाई अल्टीट्यूड पे। तो हिमालय हाई अल्टीट्यूडल है। अल्प्स ले लो, तिब्बतन प्लेटू ले लो, कॉकेशस में ले लो, अमेरिकन कॉर्डिलेरास ले लो है ना। फ्लोरा वही आपको मिल जाते हैं, मोसेस, सेजेस, लीवर वॉट, ग्रासी वेजिटेशन, लीवर वॉट याद रखना। फौना में आपका यहाँ देख सकते हो पिकाज, मारमोट, माउंटेन गोट, रेनडियर, मस्क ऑक्स, आर्कटिक हायर, कैरिबोस, लेमिंग्स एंड स्क्वेर। तो क्या आपको मिल रहे हैं आर्कटिक टुंड्रा में? आर्कटिक टुंड्रा के फौना में देख लो आर्कटिक फॉक्सेस, पोलर बियर्स, कैरिबो, मस्क ऑक्स, लेकिन अल्पाइन में क्या मिल रहा है आपको? पिकाज, मारमोट्स और बेसिकली माउंटेन गोट, रेनडियर, आर्कटिक हेयर, कैरिबस, लेमिंग। अगर पूछ लिया जाए आर्कटिक हेयर सिर्फ और सिर्फ आर्कटिक टुंड्रा में मिलते हैं? नहीं, अल्पाइन टुंड्रा में भी मिलते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे इकोसिस्टम टाइप की, यानी कि विद इन द फॉरेस्ट वी हैव फॉरेस्ट इकोसिस्टम। एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो आपका डायनेमिक एंड कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स इन द सेंस ऑफ डाइवर्सिटी कह सकते हो, कम्प्लेक्स इन द सेंस ऑफ इंटरेक्शन कह सकते हो है ना। और यहाँ पर आपको ट्रीज जो है यानी गाछ वृक्ष पेड़ की कंपोनेंट है इस इकोसिस्टम के। एंड ये जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हैज बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर कैटेगरीज। एक तो आपका कन्फेरियस फॉरेस्ट है, दूसरा आपका टेम्परेट फॉरेस्ट है, तीसरा जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। और ऑल दीज फॉरेस्ट बायोम आर जनरली अरेंज्ड ऑन ए ग्रेडियंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लैटिट्यूड और फ्रॉम हाई टू लोअर लैटिट्यूड। याद रखना है आपको जब हम बात करते हैं कन्फेरियस, टेम्परेट और ट्रॉपिकल, तो सबसे पहले लोअर लैटिट्यूड में आपको ट्रॉपिकल मिल जाएंगे, उसके बाद आपको हायर लैटिट्यूड में टेम्परेट, उसके बाद जाके आपको कन्फेरस मिलेंगे। और अल्टीट्यूड में भी कुछ इसी प्रकार से होता है, तो ये याद रखना है। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको रटे होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खासकर कौन से जो फौना है, फ्लोरा है, वो मिलते हैं, ये याद रखना है आपको। तो जब हम बात करते हैं कन्फरस फॉरेस्ट की, तो इसको हम टाइगा फॉरेस्ट कहते हैं या फिर बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं, पहली बात तो यही याद रखनी है ना। तो कन्फरस फॉरेस्ट या टाइगा बोरियल फॉरेस्ट, पहली बात यही याद रखनी है, कन्फरस फॉरेस्ट या फिर टाइगा बोरियल फॉरेस्ट। तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपका टुंड्रा इन द नॉर्थ,
टू द टेम्परेट फॉरेस्ट इन द साउथ, बिल्कुल सही। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ग्रेट कंटिन्यूस बेल्ट अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। और ये याद रखना है आपको 110% कि एबसेंट होते हैं ये टाइगर बोरियल फॉरेस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि वहां पर ओशियन सरफेस काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू आपका लैंड मास। तो जब लैंड मास नहीं है तो डेफिनेटली आपका ओशियंस कहीं ना कहीं ट्री को तो ग्रो करवाएगा नहीं। और अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट की देखें तो ये आपको याद रखना है कि यस, यहाँ पर वेल डिफाइंड सीजन होते हैं, याद रखना है आपको। अगर पूछा जाए कन्फेरस फॉरेस्ट या टाइगर बोरियल फॉरेस्ट में, तो यस होते हैं वेल डिफाइंड सीजन। क्यों? प्रोलॉन्ग्ड विंटरली कोल्ड विंटर होते हैं लेकिन शॉर्ट कूल समर भी होते हैं। प्रेजेंस ऑफ लोकल विंड जैसे ब्लिजार्ड्स ऑफ कनाडा, बुरान ऑफ यूरेशिया, याद रखना है आपको, है ना। तो ये प्रेजेंस ऑफ लोकल विंड लाइक ब्लिजार्ड्स ऑफ कनाडा, बुरान ऑफ यूरेशिया, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। और प्रेसिपिटेशन की बात करें तो यस, ये भी याद रखना है, प्रेसिपिटेशन वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। ये कैरेक्टरिस्टिक है कन्फेरस फॉरेस्ट या टाइगर बोरियल फॉरेस्ट का कि प्रेसिपिटेशन जो है वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। सॉइल टाइप जो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर पोर्जोलिक सॉइल, याद रखना है। पोर्जोलिक की बात करें एसिडिक होता है, एक्सेसिवली लिचिड होते हैं एंड मिनरल डिफिशियंट होते हैं। रट लेना ये तीन कैरेक्टरिस्टिक जो कन्फेरस फॉरेस्ट या टाइगर बोरियल फॉरेस्ट के। वेल डिफाइंड सीजन होते हैं या नहीं? बिल्कुल होते हैं, लेकिन हाँ प्रोलॉन्ग्ड बिटरली कोल्ड विंटर होंगे, शॉर्ट कोल्ड समर होंगे। प्रेजेंस ऑफ लोकल विंड्स लाइक ब्लिजार्ड्स ऑफ कनाडा एंड बुरान ऑफ यूरेशिया। प्रेसिपिटेशन की बात करें तो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। और सॉइल टाइप को देख लो तो पोर्जोलिक सॉइल यानी कि एसिडिक और एक्सेसिवली लीज्ड और मिनरल डेफिशिएंट। और बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट में देख सकते हो नेचुरल वेजिटेशन या फ्लोरा। तो नेचुरल वेजिटेशन या फ्लोरा में देख सकते हो कंसिस्ट मोस्टली ऑफ कॉनिफर्स, है ना, यानी कि कॉनिफर्स। कॉनिफर्स में आपको इवरग्रीन होंगे लेकिन कॉनिकल इन शेप होंगे, है ना, जैसे क्रिसमस ट्रीज हो गए। थिक लेदरी नीडल सेव, है ना, और पाइन फर स्प्रूस लार्च, ये आपको याद रखने हैं, है ना। तो आपको कॉनिफरस फॉरेस्ट या टाइगर बोरियल फॉरेस्ट के एग्जांपल्स में क्या याद रखने हैं? पाइन फॉर स्प्रूस लार्च, ये बात याद रखनी है, पाइन फॉर स्प्रूस लार्च, पाइन फॉर स्प्रूस लार्च। फौना की बात करें तो मिंक, सिल्वर फॉक्स, लिनक्स और वोल्फ, है ना। तो याद रखना है आपको बायोटिक कंपोनेंट में कौन होगा, पाइन फॉर स्प्रूस लार्च, और फौना में होगा आपका मिंक, सिल्वर फॉक्स और लिनक्स और वोल्फ। याद रखना है बायोटिक कंपोनेंट में कौन होगा, मिंक, सिल्वर फॉक्स, लिनक्स और वोल्फ। आई थिंक लिनक्स वोल्फ एक ही बात, नहीं ये डिफरेंट है, लिनक्स इज डिफरेंट, वोल्फ इज डिफरेंट। लेकिन आपको याद रखने हैं फौना फ्लोरा, फौना में आपके मिंक, सिल्वर फॉक्स, लिनक्स और वोल्फ, और ये फ्लोरा में आपको पाइन फॉरेस्ट स्प्रूस लार्च। लार्च तो जरूर याद रखने हैं आपको, लार्च जो है आपका कन्फेरस फॉरेस्ट या टाइगर बोरियल फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। अब हम आ जाते हैं टेम्परेट के ऊपर। टेम्परेट में आपको क्या याद रखने है, इट इज करैक्टराइज्ड बाय ब्रॉड लीव्ड ट्रीज, बिल्कुल सही। और अल्टीमेटली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इट सेट्स देयर लीव्स इन ऑटमन एंड ग्रो न्यू फॉलेज इन ऑटमन। और वाई यहाँ पर आपको याद रखना है, टेम्परेट फॉरेस्ट को भी हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक तो टेम्परेट डिसीडियस हो गया और टेम्परेट इवरग्रीन हो गया। टेम्परेट डिसीडियस में आपको मेनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा, और ये जो है एक सीजन में बेसिकली अपने पत्ते को झाड़ती हैं। और टेम्परेट इवरग्रीन में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रीजन, यहाँ पर बेसिकली नो शेडिंग ऑफ लीव्स देखने को मिलता है ना। एंड टेम्परेट रेन फॉरेस्ट फाउंड इन बोथ द हेमिस्फीयर एट द कोस्टल रीजन। याद रखना है टेम्परेट फॉरेस्ट के भी हमने तीन टाइप निकाले, एक तो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट फाउंड इन बोथ द हेमिस्फीयर कोस्टल रीजन जहाँ पर रेनफॉल आपको मिल जाते हैं, और दूसरा है टेम्परेट इवरग्रीन फाउंड इन मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक रीजन, और तीसरा टेम्परेट डेसिडियस मेनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इस टेम्परेट फॉरेस्ट की तो लोकेटेड इन मिड लैटिट्यूड एरिया बिटवीन पोलार एंड ट्रॉपिक्स, है ना। तो पोलार एंड ट्रॉपिक्स बिल्कुल सही है, तो हमने बोला ही है। तो ये आपका हो गया ग्रेड इनटू बोरियल फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिक्स में आपको भी पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो इनके बीच में आपको टेम्परेट फॉरेस्ट मिल जाते हैं फाउंड इन बोथ नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल सही। एबायोटिक कंपोनेंट में देखे मॉइस्ट वार्म समर एंड फ्रॉस्टी और रेनी विंटर। और डिस्टिंक्ट सीजन्स याद रखना आपको टेम्परेट फॉरेस्ट में होते हैं। और सॉइल टाइप में आपको याद रखना है एल्फीजोल या फिर ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल होते हैं, ये आपको याद रखना है ना। तो टेम्परेट फॉरेस्ट में जो सॉइल आपको मिलेंगे एल्फीजोल या फिर
ब्राउन फॉरेस्ट सॉयल। और ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स है इसमें आपके फ्लोरा है, फ्लोरा में आपको क्या मिल जाएंगे, ब्रॉड लीफ ट्री, ब्रॉड लीफ ट्री में क्या है, ओक है, मेपल्स है, बीचेज है ना, और श्रब्स मिल जाएंगे, पेरिनियल हर्ब्स एंड मॉसेस मिल जाएंगे, और फौना में बेसिकली स्क्वायरल्स, मार्सुपियल्स, ब्राउन बियर, बैट्स और रोडेंट्स ये सब मिल जाएंगे। तो क्या याद रखना है आपको, ये सब बातें हमने कर ली। और बायोटिक कंपोनेंट्स में देख सकते हो फ्लोरा फौना, फ्लोरा में ब्रॉड लीफ ट्रीज आपको याद रखने हैं, जिसमें ओक हो गए, मेपल्स हो गए, बीचेज हो गए। ओक तो आपको याद रखने ही रखने, मेपल्स भी याद रखने हैं, बीचेज भी याद रखने, ये सब ब्रॉड लीफ ट्रीज है। और फौना में स्क्विरल्स है, मार्सुपियल्स है, ब्राउन बियर है, बैट्स है, रोडेंट्स है। और फिर यहाँ आप देख सकते हो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको अच्छे से पता होने चाहिए, कैरेक्टराइज्ड एज मोस्ट लग्जरेंट फॉरेस्ट विथ डाइवर्स एरे ऑफ कम्युनिटीज एंड मेक्स अप वन ऑफ द अर्थ लार्जेस्ट बायो। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये आपको वेट ट्रॉपिकल अपलैंड्स एंड लोलैंड्स अराउंड द इक्वेटर वहां मिल जाएंगे। एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर ले तो हाई ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर याद रखना है आपको, हाई ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर ये तो मिल ही जाएंगे। प्रेसिपिटेशन की बात करें तो एक्सिस 200 सेंटीमीटर इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। और सॉइल टाइप में देख सकते हो रेड लैटोजोल है ना, सॉइल टाइप की बात करें तो रेड लैटोजोल, और रेड लैटोजोल में आपको याद रखना है हाइयर रेट ऑफ लीचिंग होता है, मेक्स इट एग्रीकल्चरली यूजलेस। लैटोजोल आपको याद रखने से बढ़िया आप याद रखना है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको लैटेराइट सॉइल मिलेगा है ना, लेटो सॉइल मतलब यही है, लेटराइट है, जहां पर लीचिंग एक्सटेंसिव होता है, एग्रीकल्चरली यूजलेस है, लेकिन इसको रिजुविनेट किया जा सकता है विथ न्यूट्रिएंट्स व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड है ना। नाउ बायोटिक कंपोनेंट आपको पता होने चाहिए, फ्लोरा में डाइवर्स एंजियोस्पर्म्स एंड रिलेटिवली फ्यू जिम्नोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स ये आपको फ्लोरा कंपोनेंट मिल जाएंगे, अलोंग विथ लीवर वॉट क्रीपर्स पॉन्स मोसेस लीचेंस एल्गी ये सब मिलते हैं। और प्रेजेंस ऑफ डेंस अपर कैनोपियन थिक अंडरग्रोथ ये तो है ही है। और फौना में देख लो मंकीज, रेहनोज, लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स या बर्ड्स ये मिल जाते हैं। चलिए अब हम इजी टॉपिक पर आते हैं, डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब हुआ, काट छाट डालो फॉरेस्ट को टू फुलफिल द वेराइट पर्पज ऑफ ह्यूमन काइंड, यही तो है आपका डिफॉरेस्टेशन। काउजेज क्या हो सकते हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन है ना, शिफ्टिंग कल्टिवेशन आपको भी पता है क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन है ना, रेलवे हाईवेज, फॉरेस्ट फायर्स कैन बी वन ऑफ द काउजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और याद रखना नेचुरल काउजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर पूछा जाए तो वन ऑफ द काउजेज हाई एटमोस्फेरिक प्रेशर हो जाए एंड लो ह्यूमिडिटी। लो ह्यूमिडिटी तो आपको याद रहेगी, लेकिन आपको याद रखना ये है कि हाई एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी जो है नेचुरल काउजेज बन सकती है फॉरेस्ट फायर्स के। और लॉगिंग, लॉगिंग में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड प्रोसेसिंग ट्रीज इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल फाइबर टिम्बर ये सब है। लार्ज स्केल एग्रीकल्चर एंड ओवर ग्रेजिंग डेफिनेटली है ना, एरिया पहले एग्रीकल्चर इतना था उसको बढ़ा के इतना कर दिया तो क्या हो गया, पेड़ पौधे तो काट ही दिए गए ना, क्यों काट दिए गए होंगे, एग्रीकल्चर के डिमांड को फुलफिल करने के लिए, क्यों, बिकॉज पॉपुलेशन साहब। एंड वी हैव नाउ इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का कंट्रीब्यूटर है ना, कैसे, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रीज है वो आपका सोर्स ऑफ सिंक है CO2 का, और अगर आप सोर्स ऑफ सिंक ऑफ CO2 खत्म कर दे रहे हो तो अल्टीमेटली जो एक्सेसिव कार्बन है वो एब्जॉर्ब नहीं किए जाएंगे ट्रीज के द्वारा, अल्टीमेटली रिलीज होंगे एटमोसफेयर में, ये हो गया। तो एग्रेवेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल सही, फॉरेस्ट इज ए ग्रेट कार्बन सिंक विच सेक्वेस्टर्स As much as 45% of the carbon is stored on the land, है ना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब यही हुआ कि जो कार्बन निकलते रहते हैं उसको एब्जॉर्ब किया जाना वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है ना। और देख सकते हो सम 420 million hectares of world's forest have been lost since 1990, याद रखना है, state of the world's forest FAO रिलीज करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट, इन्होंने साफ साफ कह दिया अबाउट 420 million हेक्टेयर ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट सिंस 1990 एंड वी हैव डिस्टरबेंस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। एंड जब हम बात करते हैं डिस्टरबेंस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल तो काउजेज इमीडिएट लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल एंड रिडक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन
एंड रैपिड रन ऑफ मे लीड टू फ्लड। और फिर देख सकते हो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का भी वन ऑफ द फैक्टर है। 80% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड बेस्ड स्पीसीज लिव इन फॉरेस्ट। लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन मे लीड टू फूड इनसिक्योरिटी एंड रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट टू प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज। सोशल कॉजेज भी हो सकते हैं। सोशल कॉज सोशल इश्यू मतलब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो सोशल इश्यूज तो होंगे होंगे। लॉस ऑफ लाइवलीहुड ऑफ ट्राइबल्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, तो ट्राइबल्स का तो आपको खासा खास ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक तो उनके लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनका कल्चर लाइवलीहुड उनकी कम्युनिटी सब डिपेंड करती है फॉरेस्ट पर। और ये देख सकते हो 1.6 बिलियन पॉपुलेशन हैज बीन अफेक्टेड ड्यू टू फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, IUCN कह रहा है। अब हम आते हैं ग्रास लैंड इकोसिस्टम के बारे में। तो जब हम बात करते हैं ग्रास लैंड इकोसिस्टम, तो ये आप कह सकते हो इट इज एन एरिया जहाँ जो वेजिटेशन है वो डोमिनेट की जाती है या डोमिनेट होती है बाय कंटिन्यूस कवरेज ऑफ ग्रास। याद रखना डोमिनेट हो रही है, एबसेंट नहीं होंगी। ऐसा नहीं होगा कि धरती पर जहाँ ग्रास लैंड होंगी वहाँ ट्रीज नहीं हो सकती, है ना। डोमिनेशन के आधार पर हम ग्रास लैंड इकोसिस्टम कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहते हैं तो डोमिनेंस के आधार पर आप कहते हैं, ये बातें हो गई। तो ग्री तो ग्रास लैंड इकोसिस्टम इज एन एरिया वेर द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय कंटिन्यूस कवर ऑफ ग्रासेस एंड हर्बेशियस यानी कि नॉन वुडी प्लांट। एंड देख सकते हो इट अकाउंट्स बिटवीन 20% से 40% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। एंड ग्रास लैंड आपको वहाँ मिल ही जाएंगी जहाँ रेनफॉल कम है, अप्रोक्स 25 से 75 सेंटीमीटर पर ईयर। एंड डेफिनेटली यहाँ जहाँ इतना कम रेनफॉल होगा दैट रेनफॉल इज नॉट इनफ टू सपोर्ट ए फॉरेस्ट बट मोर देन दैट ऑफ ए ट्रू डेजर्ट। टिपिकल ग्रास लैंड्स आर वेजिटेशन फॉर्मेशंस जो जनरली आपको मिल जाएंगे टेम्परेट क्लाइमेट्स में। भारत में ये भी मिलते हैं लेकिन हाई हिमालयाज में। और रेस्ट ऑफ इंडिया ग्रास लैंड्स आर मेनली कम्पोज ऑफ स्टेपीज एंड सवाना। ये तो आपको ही पता है स्टेपीज और सवाना जो है इंटरनेशनल टर्म्स है जो ग्रासेस को डिनोट किए जाते हैं, ग्रास लैंड इकोसिस्टम को डिनोट किए जाते हैं एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस स्कॉलर्स। और मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टेपीज एंड सवाना ये आपको याद रखना है ना। मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टेपीज, स्टेपीज कहाँ का है, स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया है ना, स्टेपीज ऑफ साइबेरिया, स्टेपीज ऑफ रशिया वहाँ होते हैं, और सवाना जो होते हैं वो बेसिकली ट्रॉपिकल मोरोवर होते हैं। तो वही बात है कि मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टेपीज एंड सवाना इज दैट ऑल द फॉरेस्ट इन द स्टेपी इज प्रोवाइडेड ओनली ड्यूरिंग द ब्रीफ वेट सीजन, जबकि जो सवाना में है फॉरेस्ट इज लार्जली फ्रॉम ग्रासेस दैट नॉट ओनली ग्रोन ड्यूरिंग द वेट सीजन बट ऑल्सो फ्रॉम अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ रीग्रोथ इन द ड्राई सीजन। तो देख सकते हो ड्राई सीजन में भी रीग्रोथ कर सकता है, वेट सीजन में तो ग्रासेस ग्रो करेंगे करेंगे और टेम्परेचर की तो कोई कमी नहीं है सवाना रीजन में। लेकिन अगर हम बात करें स्टेपीज में तो बेसिकली वहाँ पर एक पार्टिकुलर सीजन में आपको वेट सीजन मिलेगा जहाँ पर पानी की उपलब्धता होती है वो भी कम मात्रा में, ये भी बात हो जाती है। तो इसका मतलब जो आपका स्टेपीज है ऑल द फॉरेस्ट इन द स्टेपीज प्रोवाइडेड ओनली ड्यूरिंग द ब्रीफ वेट सीजन, ये आपको देख ले रहा है। और अगर हम आते हैं बेसिक करेक्टरिस्टिक्स की, याद रखना सवाना या फिर ट्रॉपिकल ग्रास लैंड को बिग गेम कंट्री वाले रीजन भी कहे जाते हैं ना, तो याद रखना अब क्यों कहे जाते हैं हम देखेंगे। लेकिन सवाना या फिर ट्रॉपिकल ग्रास लैंड ऑल्सो नोन फॉर बिग गेम कंट्री। डिस्ट्रीब्यूशन देख लो कहाँ मिल जाएंगे ये सवाना, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और ये जो आपका ट्रेड विंड हॉट डेजर्ट्स के बीच का जो ट्रांजिशन एरिया है वो आपको सवाना टाइप मिल जाएगा। बिल्कुल सही, ट्रू डेजर्ट एंड ट्रू इक्वेटोरियल के बीच में आपको जो ट्रांजिशन है वो आपको सवाना का मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल सवाना इन अफ्रीका, कैंपोज ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड, लैनोज ऑफ ऑर्निको बेसिन, ये सब रटने हैं आपको कि जो लैनोज है वो ग्रास लैंड है, कहाँ ऑर्निको बेसिन ये कहाँ है, बेसिकली नदर सदर्न अमेरिका, कैंपोज ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड है ना, तो ये याद रखना सवाना जो अफ्रीका। एबायोटिक कंपोनेंट क्या मिल जाएंगे, तो देख सकते हो अल्टरनेट हॉट रेनी एंड कूल एंड ड्राई सीजन बिल्कुल मिल जाएंगे। लोकल विंड जैसे हर्मटन इन ग्वेनिया कोस्ट। सॉयल टाइप क्या मिल जाएंगे, एल्फीजोल्स एंड अल्टीजोल्स, ये याद रखने हैं आपको जो सॉयल टाइप्स मिलते हैं यहाँ पर एल्फीजोल्स एंड अल्टीजोल्स। और बायोटिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो फ्लोरा में टॉल एलिफेंट ग्रासेस बिल्कुल, और शॉर्ट ट्रीज दैट हैज लॉन्ग रूट्स एंड वाटर स्टोरिंग डिवाइसेस जैसे बाओबाज एंड बोटल ट्रीज। तो याद रखना बाओबाज की अगर हम बात करें तो वाटर स्टोरिंग
टेक्निक जो ग्रासेस यूज करती है उसको हम बाओबाज कहते हैं, और फौना ग्रास ईटिंग हर्बीवोर्स फ्लेश ईटिंग कार्निवोर्स मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द कंटेंट, ये तो आपको पता ही होगा, फ्रॉम मेरीटाइम इन्फ्लुएंस, अवे फ्रॉम द मेरीटाइम इन्फ्लुएंस। और अगर बात करें स्टेपीज या टेम्परेट ग्रास लैंड, इसको ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है ना। और एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पंपाज ऑफ अर्जेंटीना, डाउंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखने स्टेपी ग्रास लैंड, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पंपाज ऑफ अर्जेंटीना, डाउंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट बिल्कुल नॉट शेवर इन साउदर्न हेमिस्फीयर, क्यों? क्योंकि लैंड मास, लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन आपको एबसेंट वहां देखने को मिलेगा। लोकल विंड आपको मिल जाएंगे यहाँ पर चिंकू की कनाडा, आपको तो विंड रखने है, चिंकू कहाँ है? कनाडा ने अमेरिका में, फोहेन कहाँ? स्विट्जरलैंड में, यानी कि आपका यूरोपियन रीजन में। सॉइल टाइप क्या है? चेरनोजन सॉइल। तो ये जो आपके स्टेपीज या फिर टेम्परेट ग्रास लैंड या फिर ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड है बेसिकली, ये देख सकते हो सॉइल टाइप क्या है? चेरनोजन सॉइल। और फिर अगर बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो फ्लोरा में क्या हो रहा है आपका? शॉर्ट स्टेपी टाइप ऑफ ग्रास पार्टी, याद रखना प्रेरीज जो होंगे, प्रेरीज जो है वो लॉन्गर होते हैं, स्टेपीज जो होते हैं वो शॉर्टर ग्रासेस होते हैं ना, तो याद रखना है आपको। तो जो शॉर्टर स्टेपी टाइप है प्रैक्टिकली ट्रीलेस यूज फॉर एक्सटेंसिव वीट कल्टिवेशन। और फौना की बात करें तो मेनली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, कैटल, शीप, पिग्स एंड फॉन। और अगर हम बात करें डेजर्ट इकोसिस्टम की, तो डेजर्ट इकोसिस्टम इज अ रीजन ऑफ स्केंटी रेनफॉल सपोर्टिंग ए कम्युनिटी ऑफ डिस्टिंक्टिव प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेशली एडेप्टेड टू द हार्श इन्वायरमेंट, एंड डेजर्ट्स आर फॉर्म्ड इन रीजंस विद लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स के नाम याद रखने, गोबी डेजर्ट बिटवीन चाइना एंड मंगोलिया, और फिर क्या, ये ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट आपको ही पता है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट भी कहते हैं। और कालाहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका में, नाबीब डेजर्ट साउथ सदर्न अफ्रीका में, अटाकामा डेजर्ट बेसिकली ये आपका साउथ अमेरिका में, पैटागोनिया डेजर्ट ये आपका साउथ अमेरिका में है ना। और यहाँ आपका देख सकते हो अटाकामा का कारण क्या है? पेरुवियन करेंट। और ये जो मुहावे सोनोरान डेजर्ट है उसका कारण क्या है? कैलिफोर्नियन करेंट। और फिर सहारा डेजर्ट का देख सकते हो आप, इसका कारण क्या है? कोल्ड कैनरीज करेंट। और ये हमने बात कर लिया, ये आप देख सकते हो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करेंट, ये भी कोल्ड करेंट है। और ये सब हमने डेजर्ट देख लिया, एंड वी हैव सहारा, वी हैव थार है ना, वी हैव अरेबियन डेजर्ट, वी हैव ईरानियन डेजर्ट, ये सब हमने देखा है। और याद रखना डेजर्ट का वन ऑफ द कारण ये भी होता है कि खासकर जो कोस्ट के आसपास मिलेंगे वो इसलिए क्योंकि कोल्ड करेंट वहाँ पर मौजूद होंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो। अब हम आते हैं टाइप ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम, तो हॉट डेजर्ट हो सकते हैं, कोल्ड या मिड लेटिट्यूड या टेम्परेट डेजर्ट हो सकते हैं है ना। तो क्या डिफरेंसेस है? हॉट डेजर्ट की बात करें, हॉट डेजर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ये याद रखना है आपको है ना। तो हॉट डेजर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, और वो भी क्या, बिटवीन द 15 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ, यानी कि आपको हॉर्स लेटिट्यूड में मिल जाएंगे। और जब हम बात करते हैं हॉर्स लेटिट्यूड, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको ट्रेड विंड्स रिफ्लेक्ट होते हैं, ट्रेड विंड्स यहाँ पर चलते हैं है ना। तो ये याद रखना है आपको कि आपका हॉट डेजर्ट है वो आपको 15 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लाइज इन द रीजन ऑफ हॉर्स लैटिट्यूड एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में मिल जाएंगे। एबायोटिक कंपोनेंट देख सकते हो, एक्सट्रीम डायरनल रेन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि समझ सकते हो सुबह में टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा तो रात में टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा, रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से भी कम। सॉइल टाइप देख सकते हो, सेलाइन सैंडी सॉइल विद लोअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो फ्लोरा की बात करें तो देख सकते हैं जेरोफाइटिक और ड्राउट रेसिस्टेंट स्क्रब डेट पाम्स एकेकिया, ये याद रखना है आपको। हॉट डेजर्ट में जो फ्लोरा कंपोनेंट मिलेंगे जेरोफाइटिक या फिर ड्राउट रेसिस्टेंट स्क्रब डेट पाम्स और एकेकिया, केकिया आपको हमेशा याद रखने, एकेकिया इज इन हॉट डेजर्ट। और फौना की बात करें तो रेप्टाइल, मार्सुपियल्स, मैमल्स ये सब मिल जाते हैं, हाइनाज, हेड डॉग। और अगर हम बात करें मिड लेटिट्यूड या फिर कोल्ड या टेम्परेट डेजर्ट की, तो डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, ये आपको मिल जाएगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, इंटीरियर ऑफ कंटिनेंट बेसिकली, इंटीरियर ऑफ अर्थ में कहाँ से मिलेगा? शेल्टर्ड बाय हाई माउंटेन्स ऑल अराउंड देम। एबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मच ग्रेटर देन
that of the hot desert. Our continentality accounts for these extremes in temperature. है ना? कॉन्टिनेंटलिटी यानी कि व्हाट कॉन्टिनेंटलिटी, कॉन्टिनेंटलिटी यानी कि अगर गर्मी का समय है तो काफी ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाएगा और ठंड का समय है तो काफी ज्यादा टेम्परेचर लो हो जाएगा. तो कॉन्टिनेंटलिटी इज द कॉजेटिव फैक्टर फॉर दीज एक्सट्रीम्स इन टेम्परेचर, सेवर विंटर विद कोल्ड विंड. बायोटिक कंपोनेंट्स आपको अगर देखना है मिड लैटिट्यूड या फिर कोल्ड या फिर टेम्परेट डेजर्ट का, तो फ्लोरा में आपको एल्पाइन मेसोफाइटिक ग्रासेस, बशेस, श्रब्स एंड इवन ट्रीज लाइक जूनिपर्स, बर्च ये मिल जाएंगे. फौना में आप देख सकते हो बैक्टीरियन कैमल, एशियाटिक ईबेक्स, स्नो लेपर्ड, टिबेटियन वॉल्फ, टिबेटियन विल एस, कियांग जिसको कहते हैं, याद रखना है टिबेटियन विल एस जिसको हम कियांग कहते हैं. और क्या मिल जा रहे हैं आपको मिड लैटिट्यूड या कोल्ड या फिर टेम्परेट डेजर्ट में, एशियाटिक ईबेक्स याद रखना है आपको, स्नो लेपर्ड, टिबेटियन वॉल्फ और टिबेटियन विल एस जिसको कियांग कह रहे हैं और बैक्टीरियन कैमल. नाउ वी मूव टू adaptation of desert vegetation. आपको पता होने चाहिए इसी के ऊपर क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं, है ना, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है डेजर्ट वेजिटेशन का. तो सबसे पहली बात तो याद रखना है जो रूट सिस्टम होता है इसका एक्सटेंसिव होता है. क्यों? क्योंकि जहां मन तहां से ये क्या करे, वो अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर ले. और दूसरा इंपॉर्टेंट बात थिक, है ना, थिक क्रिटिकल होनी चाहिए. ये जो आपका है ना, ये देख सकते हैं ये जो है ये आपका कितना थिक है ना, तो थिक क्यूटिकल और सनकेन स्टोमाटा टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन. तो ये जो आपका थिक क्यूटिकल या फिर सनकेन स्टोमाटा होता है ये क्या काम करेगा, ट्रांसपिरेशन को खत्म करेगा, कम करेगा, तभी तो जाके हम कह सकते हैं कि वाटर इसको एब्जॉर्ब करने से रोकेगा, वाटर को निकालवाने से रोकेगा. लीव्स जनरली एब्सेंट या फिर रिड्यूस इन साइज होते हैं और थॉर्नी लीव्स हो सकते हैं, लेदरी हार्डी एंड वैक्सी लीव्स, ये याद रखना है. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गया, वैक्सी लीव्स हो सकते हैं, है ना, और फिर क्या, थिक क्यूटिकल या फिर सनकेन स्टोमाटा टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, और फिर क्या, एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, और फिर क्या, लार्ज फ्लेसी स्टीम्स एंड लीव्स फॉर वाटर स्टोरेज, प्लांट्स लाइक डोरमेंट फॉर इयर्स अंटिल इट रेन फॉल्स, है ना. और फिर अगर हम बात करें किसके बारे में, तो देख सकते हो एडेप्टेशंस ऑफ डेजर्ट एनिमल. तो हाँ, तो इसको याद रखना है ना. तो adaptations of desert animal मतलब क्या, एक तो extreme heat होती है, तो extreme heat होती है तो यहाँ पर कुछ species क्या करेंगे, nocturnal हो जाएंगे. nocturnal वाले क्या करते हैं, sun की heat को avoid करते हैं. साथ ही साथ store fat in their humps, thus they can live months without food. समझ में आ रहा, without water तो हम लोग सुनते हैं, without food भी हो सकता है, because food की scarcity है यहाँ पर, है ना. उसके बाद क्या, एक्सक्रीट कंसेंट्रेटेड यूराइन टू कंजर्व यूर वाटर. कैमल द शिप ऑफ द डेजर्ट कैन ट्रेवल सेवरल डेज विदाउट वाटर, ड्रिंक गैलोंस ऑफ वाटर एट वन गो. और फिर क्या, बॉडी टेम्परेचर कैन चेंज टू अवॉइड लूजिंग वाटर थ्रू स्वेटिंग, है ना. खराई कैमल, खराई कैमल आपने नाम सुना होगा, खराई कैमल स्पेशल कैमल की कैरेक्टरिस्टिक है जो फ्लोट करती है, ये याद रखना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था. देख सकते हो अगर आप ऊंट के कैरेक्टरिस्टिक देखें तो जो आपका हेयरी आईज होंगे, है ना, और बेसिकली लॉन्ग आई लैसेस, हम्प देख लो ऐसा है, और थिक आईब्रोज है, क्लोजिंग नोस्ट्रिल्स है, वाइड फीट है, ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो अडॉप्ट किए जाते हैं. तो हमें तो याद रखना है कि एडेप्टेशंस ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम एनिमल्स नॉक्टर्नल इन हैबिट टू अवॉइड सनसी. नॉक्टर्नल यानी कि जो आई थिंक रात में बेसिकली ऑपरेट करते हैं उसको नॉक्टर्नल कहते हैं, क्योंकि सन में तो ऑपरेट करना संभव नहीं हो पाता. अलोंग विद स्टोर फैट इन देयर हम्स और एक्सक्रीट कंसंट्रेटेड यूरिन टू कंजर्व वाटर. कैमल द शिप ऑफ द डेजर्ट कैन ट्रेवल सेवरल डेज विदाउट वाटर. बॉडी टेम्परेचर कैन चेंज टू अवॉइड लूजिंग वाटर थ्रू स्वेटिंग. और ये भी आपको पता होनी चाहिए कि डेजर्टिफिकेशन द ग्रेटेस्ट एनवायरमेंटल चैलेंज ऑफ आवर टाइम. क्या है डेजर्टिफिकेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल पोटेंशियल ऑफ द लैंड, है ना. क्या बोला जा रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल पोटेंशियल ऑफ द लैंड इन एरिड सेमी एरिड ड्राई सब ह्यूमिड एरिया ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, चाहे वो क्लाइमेटिक वेरिएशंस और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, ये हो सकती है. कॉजेज क्या हो सकती है, लैंड मैनेजमेंट. लैंड मैनेजमेंट में क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, प्लस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, प्लस इनअप्रोप्रिएट इरिगेशन. क्लाइमेट रिलेटेड में क्या हो सकता है, नेचुरल फ्लक्चुएशंस इन द क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कॉज, जीएजी.
और अब हमें समझना होगा लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट अच्छे से, क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। तो जब हम बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की, तो इट इज ए कंडीशन, इट इज ए स्थिति, परिस्थिति जहां पर फर्दर लैंड डिग्रेडेशन, सिंपली कहें लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी विच कैन बी कॉज ड्यू टू एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन फैक्टर्स, उसको प्रिवेंट किया जाए, साथ ही साथ ऑलरेडी डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर भी किया जाए। और याद रखना है अगर हम डेफिनेशन पर जाएं एलडीएन की, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की, तो ये डिफाइन की गई है बाय द पार्टीज टू द कन्वेंशन एज ए स्टेट वेयर बाय अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ लैंड रिसोर्सेज व्हिच इज नेसेसरी टू सपोर्ट इकोसिस्टम फंक्शंस एंड सर्विसेज एंड इनहांस फूड सिक्योरिटी रिमेन्स स्टेबल और इंक्रीजेज विद इन स्पेसिफिक टेम्पोरल एंड स्पेशियल स्केल्स एंड इकोसिस्टम, है ना। हमें तो याद रखना है कि फर्दर लैंड डिग्रेडेशन इज प्रिवेंटेड एंड ऑलरेडी डिग्रेडेड कैन बी रिस्टोर्ड। अब आते हैं बोन चैलेंज के ऊपर। बोन चैलेंज के भी ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको भी पता है बोन क्या है, कहाँ है, जर्मनी में। ये जो बोन चैलेंज है अच्छे से समझ लो, द बोन चैलेंज इज ए ग्लोबल गोल टू ब्रिंग, रट लेना ये, 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप इन टू रिस्टोरेशन बाय 2022 एंड 350 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030। याद रखना है, यानी कि 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप को रिस्टोर करना है बाय 2022, और अगले 10 सालों में इसका अप्रोच कह सकते हो कि 350 मिलियन हेक्टेयर को हमें डिग्रेडेड लैंड और डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप को रिस्टोर करना है। ये याद रखना है, ये बोन चैलेंज है। और याद रखना, नाम से पता चला बोन चैलेंज लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी प्लस IUCN 2011। रट लेना लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी प्लस IUCN 2011 द चैलेंज सरपास्ड द 150 मिलियन हेक्टेयर माइलस्टोन फॉर प्लेसेज इन 2017। तो ये जो आपका 2020 में फुलफिल होना था 2017 में ही फुलफिल हो गया। अब ऑब्जेक्टिव होंगे कि इसको 2030 का जो टारगेट है वहाँ कंप्लीट करवाया जा सके। अब हम आते हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम्स के लिए, आपको पता होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा भी सकते हैं। तो ये जो आपका इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 लाया गया है ना, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 लाया गया है, रट लेना, ये 16th रिपोर्ट है इन दिस सीरीज। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको रटने होंगे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के, क्या बायनियल पब्लिकेशन है, किसके द्वारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और पहली बार ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1987 में। जी हाँ, 1987 में, बिफोर इंडिपेंडेंस नहीं, आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड बेसिकली ये जो निकाले जाते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ LISS 3 सेंसर ऑफ रिसोर्स सेट टू सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का भी नाम दिया गया है, ये जो निकाले जाते हैं बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ LISS 3 सेंसर ऑफ रिसोर्स सेट टू सैटेलाइट। और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को याद रखना है, क्या याद रखना है, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो अभी है 24.56% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, है ना। तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर क्या हो गया, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हो गया आपका 24.56% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, रट लेना है। और अगर हम बात करें, यहाँ पर बोला जा रहा है, मतलब क्या कह सकते हैं, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, आपको ही पता करेगा कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में क्या अंतर होता है ना। तो फॉरेस्ट कवर देख सकते हो आपका 21.67% है, और टोटल ट्री कवर है वो आपका 2.89% है। तो अब जाके आपका टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 24.56 बनता है, यानी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है टोटल फॉरेस्ट कवर और टोटल ट्री कवर में। अगर सिंपली आपको पूछ दिया जाएगा कि टोटल फॉरेस्ट कवर हमारे देश में 24.56% है, वो गलत है, टोटल फॉरेस्ट कवर हमारे देश में 21.67% है, टोटल ट्री कवर 2.89% है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपका टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर निकल जाता है। और जो आपको याद रखनी है वो ये कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया का जो अरेंज है क्रोनोलॉजी का, वो याद रखने है। और ये आपका जो क्रोनोलॉजी का अरेंजमेंट है, आप देख सकते हो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, रट लेना है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, उसके बाद ओडिशा, याद रखना है।
कैसे याद रखोगे? MPAP छाओ, यानी कि MP फॉर मध्य प्रदेश, AP फॉर अरुणाचल, और अरुणाचल याद रखना आंध्र नहीं, समझ में आया? तो MP यानी कि मध्य प्रदेश, AP यानी कि अरुणाचल प्रदेश, छाओ यानी कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ऐसे रटना MPAP छाओ, AP फॉर अरुणाचल। और फॉरेस्ट कवरेज परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, ये याद रखना है, फॉरेस्ट कवर एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, ये आपका मिजोरम है सबसे टॉप पर है, फॉरेस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, देख सकते हैं मिजोरम का आपका 85.41% है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश 79.63% है, तीसरे नंबर पर आपका मेघालय, चौथे नंबर पर मणिपुर, पांचवें नंबर पर नागालैंड। और फिर क्या, जो स्टेट्स या यूटी शोइंग सिग्निफिकेंट गेन इन द फॉरेस्ट कवर, ये आपका कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, केरला है और J&K है ना, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट गेन जो फॉरेस्ट कवर में हुआ एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, प्रीवियस सर्वे, तो कर्नाटका पहले नंबर पर, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर, केरला तीसरे नंबर पर, जम्मू एंड कश्मीर चौथे नंबर पर, एंड स्टेट शोइंग लॉस इन फॉरेस्ट कवर, रट लेना, सबसे ज्यादा लॉस मणिपुर में हुए, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद जाके मिजोरम। तो तीन चार डाटा आपको क्या याद रखने, सबसे पहले टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 24.56% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, फिर क्या देखना है आपको, टोटल फॉरेस्ट कवर जो है 21.67% और टोटल ट्री कवर 2.89%, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और फॉरेस्ट कवर इज ए परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया सबसे ज्यादा मिजोरम का है, फिर अरुणाचल प्रदेश का है, फिर मेघालय का है, फिर मणिपुर का है, फिर नागालैंड का है, उसके बाद स्टेट या यूटी शोइंग सिग्निफिकेंट गेन इन फॉरेस्ट कवर, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद स्टेट शोइंग लॉस इन द फॉरेस्ट कवर, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये तीन याद रखने, गेन तो सब याद रखना है, लॉस जरूर याद रखना, सबसे ज्यादा लॉस इन फॉरेस्ट कवर हुआ है मणिपुर, देन अरुणाचल प्रदेश, देन मिजोरम। तो ये हमारी सीरीज कंप्लीट होती है, और ये याद रखना है डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया तो अबाउट 29.32% ऑफ द टोटल लैंड इज अंडर गोइंग द प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, तो अबाउट 29.32% ऑफ द टोटल लैंड इज अंडर गोइंग द प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन। तो ये हमारी सीरीज कंप्लीट होती है, नेक्स्ट सीरीज में हम डिफरेंट टॉपिक को तैयार करेंगे, दैट विल बी ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो हमने उसको जान लिया, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें इन्हें अच्छे से कवर करना पड़ेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट एक्वेटिक इकोसिस्टम फ्रेंड्स। तो जब हम बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम तो क्या होता है, इकोसिस्टम इन वाटर वर्ल्ड इज कॉल्ड एक्वेटिक सिस्टम, इकोसिस्टम। अब इसको क्लासिफिकेशन किया जाता है, और इतने डिटेल में वैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वेटिक्स इकोसिस्टम बेस्ड ऑन साल्ट कंटेंट, सिंपली कहे तो बेस्ड ऑन सैलिनिटी। तो उस आधार पे हम कहेंगे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, मेराइन इकोसिस्टम है, ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम है। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में क्या है, जहां पर सैलिनिटी लेस देन 5 पार्ट्स पर 1000 है, तो वहां पर आपको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, जिसमें लेक है, पॉन्ड्स है, स्प्रिंग्स है, रिवर्स है, और जहां पर जो सैलिनिटी है उस वाटर बॉडी जो है 35 PPT और अबव, तो वहां पर आपको मेराइन इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, सीज है, ओशियंस है, और फिर आपका ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम जहां पर सैलिनिटी आपका 5 to 35 PPT है, एग्जाम्पल एस्चुरीज, मैंग्रोव्स, ये सब है। और अगर हम बात करें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, ये रट लेना है ना, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जोन ऑफ अकरेंस एंड एबिलिटी टू क्रॉस दिस जोन्स, है ना। तो सबसे पहली बात हम कहते हैं, देख सकते हो न्यूस्टोन हो गए, उसके बाद पेरीफाइटोन हो गए, उसके बाद प्लैंकटोन, नेक्टोन, बेंथोस, याद रखना बेंथोस से शुरुआत करते हैं, बेंथोस वो स्पीसीज हो गए एक्वेटिक स्पीसीज जो अटैच्ड होते हैं बॉटम ऑफ द ओशियनिक सरफेस, है ना, जैसे आपको ही पता है ये जो आपका कंटिनेंटल सेल्फ है, ये जो आपका है, तो ये जो यहाँ पर बॉटम ऑफ द सरफेस में जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर अटैच रहेंगे उनको हम बेंथोस कहेंगे, है ना, लिव एट द बॉटम ऑफ द वाटर मास, और नेक्टोन को सिंपली आप स्विमर्स कहते हो ना, लिव अंडर वाटर, लार्ज एंड पावरफुल, तो ऑल सी एनिमल्स जो है वो आपके नेक्टोन है, क्योंकि दे आर स्विमर्स, लैंड तो है नहीं कि वो स्थिर एक जगह पे रहते हैं, तो जो भी सी एनिमल्स है डेफिनेटली नेक्टोन कम्युनिटी है। प्लैंकटन किसे कहते हैं, प्लैंकटन जो है आपका वो सबमर्ज्ड रहते हैं इन द वाटर,
जैसे एल्गी हो गए, क्रस्टेशियंस हो गए, और पेरिफाइटोन की बात करें तो अटैच टू द स्टीम लीव समर्ड इन वाटर जैसे सेसाइल एल्गी, और जो न्यूस्टोन ये अनअटैच्ड रहते हैं, अनअटैच यानी कि दे लीव एट एयर वाटर इंटरफेस, है ना, फ्लोटिंग प्लांट देख सकते हो। तो न्यूस्टोन को हमने पढ़ लिया लीव एट एयर वाटर इंटरफेस, एग्जाम्पल फ्लोटिंग प्लांट, पेरिफाइटन अटैच टू स्टेम्स लीव समर्ड इन वाटर, एग्जाम्पल में सेसाइल एल्गी। प्लैंकटन में आपका लोकोमोटिव पावर हो गया लीव सबमर्ज इन वाटर, एल्गी क्रस्टेशियंस एग्जांपल हो गया। नेक्टर की बात करें तो स्विमर्स है लीव अंडर वाटर, लार्ज एंड पावरफुल है ऑल सी एनिमल्स, और बेथोज की बात करें अटैच टू बॉटम लीव एट द बॉटम ऑफ द वाटर मास। तो ये सब कुछ बातें हो गई। अब हम चलते हैं फैक्टर्स लिमिटिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट को प्रभावित करते हैं? सनलाइट, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ट्रांसपेरेंसी, टेम्परेचर, चार मेजर फैक्टर है। तो देख सकते हो सनलाइट में आपका फोटिक जोन होते हैं, एफोटिक जोन होता है। फोटिक जोन यानी कि लाइट पेनिट्रेट, जहां पर फोटोसिंथेसिस होंगे। एफोटिक जोन है लाइट डज नॉट पेनिट्रेट सो प्लांट ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, लेकिन स्पीसीज तो होती है ना, इसलिए यहाँ पर रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज होती है, रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज होती है, नॉन एज प्रोफंडल जोन। तो याद रखना एफोटिक जोन या फिर प्रोफंडल जोन, यहाँ पर नो फोटोसिंथेसिस, ओनली रेस्पिरेटरी एक्टिविटी टेक्स प्लेस। डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होता है? डिजोल्व ऑक्सीजन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो रेगुलेट करते हैं बेसिकली एक्वेटिक इकोसिस्टम को। और जब हम बात करते हैं डिजोल्व इकोसिस्टम या डिजोल्व ऑक्सीजन, क्या एस्केप वाटर वर्ल्ड बॉडी थ्रू एयर वाटर इंटरेक्ट एंड रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपको पता होना चाहिए जो ऑक्सीजन होते हैं वो बेसिकली लेस सोल्यूबल होते हैं वार्म वाटर, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए, है ना, कि जो ऑक्सीजन होते हैं लेस सोल्यूबल इन वार्म वाटर। व्हेन डिसॉल्व ऑक्सीजन फॉल्स बिलो 3 to 5 ppm तो मेनी ऑर्गेनिज्म डाई। तो इसका मतलब जब डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होने लगती है तो जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म की वो जो है फुलफिल नहीं हो पाती, जिसके कारण बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डाई हो जाते हैं। तो याद रखना है व्हेन डिसॉल्व ऑक्सीजन फॉल्स बिलो 3 to 5 ppm many organism die, and temperature की बात करें तो water temperatures are less subject to change, aquatic organism have narrow temperature tolerance limit। ये हमने बात कर लिया, तो temperature के बारे में हमने बात कर लिया। transparency तो है, dissolved oxygen ज़्यादा ही necessary है, लेकिन याद रखना है oxygen less soluble in warm water, ये जरूर याद रखना है ना। और ये फोटिक जोन जिसको प्रोफंडल जोन कहते हैं, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होंगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होंगी तो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी तो होंगी होंगी, क्योंकि स्पीसीज यहाँ रहती हैं। अब हम आते हैं लेक इकोलॉजी की तरफ। तो लेक क्या है? लेक है बेसिकली लार्ज वाटर बॉडी विथ ह्यूज एरिया एंड डेप्थ। तो लेक बोर्न फ्रॉम जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फिक प्लेसेस, आपको भी पता है वहां उसको वाटर मिल गया, वो कोई रिवर से हो सकता है, रेनफॉल से मिल सकता है, या फिर ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज हो गए, केमिकल एंड मिनरल्स फिर मिक्सअप होते हैं, लेक का फिर एजिंग हो जाएगा। तो लेक एजिंग कब होगी? जब जो है केमिकल्स या मिनरल्स जो है उस वाटर में आने लगते हैं, उसकी फ्रेशनेस जो है खत्म होने लगती है, और जो आपके अलग अलग ब्लूम्स हो सकते हैं, जिसके कारण जो है क्या होंगी कि धीरे धीरे वो जो लेक है वो डाई होने लगेंगे। और अगर हम बात करें विंटर किल की, तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, अगर पूछ लिया जाए विंटर किल टर्मिनोलॉजी समटाइम मेंशन इन न्यूज, क्या है ये विंटर किल? तो विंटर किल की जब हम बात करते हैं तो इसके तहत आपको भी पता होगा स्नो कवर ऑफ आइस ऑन वाटर बॉडी कैन इफेक्टिवली कट ऑफ लाइट। बिल्कुल सही, लेट्स से कि कोई वाटर बॉडी है उसके ऊपर स्नो कवर बैठा हुआ है, तो क्या करेगा, लाइट जो सनलाइट की आती है उसको तो कट डाउन कर दिया, तो इसका मतलब वाटर चला गया आपका डार्कनेस में, इसीलिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, लेकिन स्पीसीज तो वहां मौजूद ही रहती है, तो रेस्पिरेशन कंटिन्यू, इसलिए इन सैलो लेक द ऑक्सीजन गेट्स डिप्लीटेड। क्यों डिप्लीटेड? बिकॉज यहाँ पर आपका जो रेस्पिरेशन है वो हो रहा है ना, और फिशेस डाई होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस लिमिटेड है, fishes die but we won't know it until the ice melts and we find floating fish, this condition is known as winter kill। to samajh mein aa raha hai winter kill kya hai? a snow cover of ice on water body, ye basically ho sakta hai ki winter mein
जो आपका हायर लेटिट्यूड है, जो लेक से वहां पर वो फ्रीज हो जाते हैं और जो स्पीसीज है जो उसमें अंतर्गत रह रहे होते हैं वो तो मौजूद है, तो वहां पर रेस्पिरेशन हो रहा है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, इसलिए सेलो लेक्स में ऑक्सीजन गेट्स डिप्लीटेड और फिश डाय, बट वी वॉन्ट नो इट अंटिल द आइस मेल्ट्स एंड वी फाइंड फ्लोटिंग फिश। दिस कंडीशन इज नोन एज विंटर किल। तो ये विंटर किल काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। लेक्स इन इंडिया की बात करें तो आर्टिफिशियल लेक्स मोर है भारत में देन द नेचुरल लेक्स, ये याद रखना। क्वेश्चंस कैसे भी करके पूछा जा सकता है लेक्स इन इंडिया के बारे में, जहां आर्टिफिशियल लेक्स ज्यादा है देन द नेचुरल लेक। और नेचुरल लेक्स कहां पर है? हिमालय रीजन में, फ्लड प्लेन्स ऑफ इंडिया, गंगा, ब्रह्मपुत्र। और लेक्स को भी क्लासिफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साल्ट कंटेंट एंड ऑन न्यूट्रिएंट कंटेंट बेसिस, दे आर ओलिगोट्रॉपिक। याद रखना, न्यूट्रिएंट कंटेंट पर भी हम लेक को क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे ओलिगोट्रॉपिक, तो ओलिगोट्रॉपिक यानी कि वेरी लो न्यूट्रिएंट कंटेंट है, मेसोट्रॉपिक मॉडरेट न्यूट्रिएंट कंटेंट है, और यूरोट्रॉपिक हाई रिच न्यूट्रिएंट कंटेंट है। उसके बाद क्लीनिंग ऑफ लेक या रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्निक की बात करें तो कैसे हो सकता है? डीप वाटर एब्स्ट्रैक्शन, फ्लशिंग, एल्गी स्कीमिंग। याद रखना, एल्गी स्कीमिंग कैन वन ऑफ द वे जिसके तहत हम न्यूट्रिएंट्स जो है लेक्स में से निकाल सकते हैं, एल्गी स्कीमिंग है ना। प्लांट्स टू सक न्यूट्रिएंट्स, हार्वेस्ट फिश एंड मैक्रोफाइट्स, स्लज रिमूवल, फिल्टर फॉर अल्गल रिमूवल, रट लेना है। Which of the following can be a way for removal of nutrients from the lake? Deep water abstraction, flushing, algae skimming, plant to suck nutrients, harvest fish and macrophytes, sludge removal, filters for algal removal. और कुछ important बातें आपको याद रखनी है अमीनपुर लेक के बारे में। सबसे पहली बात तो याद रखना है, अमीनपुर लेक आपका first biodiversity heritage site है ना। अगर पूछ लिया जाए अमीनपुर लेक के बारे में तो first biodiversity heritage site, और अमीनपुर लेक गेट्स द स्टेटस ऑफ द फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट इन द कंट्री अंडर बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002। याद रखना है, अगर पूछा जाए बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट किसके तहत दिए जाते हैं, किस कौन से एक्ट के तहत, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बायोडायवर्सिटी एक्ट, तो बायोडायवर्सिटी एक्ट याद रखना है। फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट तो आपका अमीनपुर लेक है, लेकिन इसको जो स्टेटस मिला फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट इन द कंट्री वो है आपका बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत। इट इज एन एंशिएंट मेन मेड लेक इन ए वेस्टर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना, तो लोकेशन याद रखना है, ठीक है। एंशिएंट मेन मेड लेक और ये तेलंगाना में है, तेलंगाना के वेस्टर्न पार्ट में बेसिकली। उसके बाद लेक सुदर्शन गुजरात के गिरनार एरिया में है, और कह सकते हो परहैप्स ओल्डेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया डेटिंग बैक टू 300 BC। और आपको बताना है कि लेक सुदर्शन को कौन बनवाया था और इसे रिपेयर भी करवाया गया था। और मेजोरिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया यूरोट्रॉपिक और मेसोट्रॉपिक, और हमने बोला मेसोट्रॉपिक यानी कि जो आपके मॉडरेट न्यूट्रिएंट लेवल मिलेंगे लेक में, या फिर हाई रिच न्यूट्रिएंट लेवल आपको लेक में मिलेंगे। तो ये सब हमने बात कर ली, और अमीनपुर लेक आपको पता होने चाहिए, और बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत कवर, ये पता होने चाहिए। अब आते हैं यूट्रोफिकेशन के बारे में। यूट्रोफिकेशन क्या है? नाम से ही पता चलता है, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन यानी कि जब वाटर बॉडी, चाहे वो लेक हो चाहे वो आपका कोई पोंड हो, वो न्यूट्रिएंट्स में ओवर रिच हो जाता है, जिसके कारण खतरा किस पर है? खतरा है आपके प्लांट लाइफ के ग्रोथ के ऊपर, है ना। तो ये आपका यूट्रोफिकेशन होता है। जैसे नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स जो आपको वाटर बॉडीज में आते हैं फ्रॉम फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल वॉश, सेवेज, ये किसके कारण क्या होता है, एल्गल ग्रोथ, खूब एल्गीज ग्रो कर जाएंगी, और इसके कारण एल्गी हुआ, एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो किया इन वेरियस फौना, और ये आपका हो गया नेचुरल यूट्रोफिकेशन। और बेसिकली जब ये तेजी से ग्रो करेंगी, लेकिन ये डाई भी होती है, डाई होने के बाद कहीं ना कहीं ये जो है लेक को एज कर देती है, तो यूट्रोफिकेशन लीड्स टू एजिंग ऑफ द लेक। इट इज ऑल बिकॉज एल्गल ब्लूम एंड देन आपका डेड भी उतनी ही तेजी से होता है, तो ये बातें कुछ होती है ना। देख लो कैसे कैसे आपका हो रहा है, एग्रीकल्चर रन ऑफ, अनट्रीटेड सेवेज, ट्रांसपोर्ट किया गया एक्वेटिक इकोसिस्टम में, फिर न्यूट्रिएंट एक्युमुलेशन एनरिचमेंट, ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी, एल्गल ब्लूम, फिर एल्गी कवरिंग द एक्वेटिक सर्फेस लेयर जिसके कारण सनलाइट पेनिट्रेशन रिस्ट्रिक्ट हो गया, डिफ्यूजन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, और अल्टीमेटली अंडरग्राउंड एक्वेटिक एल्गी या प्लांट्स ये सब मरने लगेंगे, और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन कंज्यूम्स द अवेलेबल ऑक्सीजन इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, और एनोक्सिया कंडीशन यानी कि ऑक्सीजन की एकदम कमी हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डाई ड्यू टू लैक ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन,
डिग्रेडेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम इज द रीजन, है ना। तो अब हम बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट बातों की, एक तो पॉइंट सोर्स जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स या फिर नॉन पॉइंट सोर्स, ये पॉल्यूशन में भी यूज किए जाएंगे, पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट्स या फिर नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट। पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो याद रखना इसमें आपको क्या होगा, इट विल ट्रेवल डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स टू द वाटर, है ना, डायरेक्टली कहीं से सोर्स हुआ और डायरेक्टली ये आपका वाटर से आपका वाटर में सोर्स टू वाटर पहुंच गया, तो इसको हम आसानी से लोकेट कर सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सोर्स कहां से है इसका, तो डेफिनेटली इजी टू रेगुलेट। नॉन पॉइंट सोर्सेस में आपका मल्टीपल अननोन सोर्सेस आ जाएंगे, है ना, इधर से हो सकता है, 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 लेकिन पता नहीं चल पाते कि इसका सोर्स कहां है, दैट्स व्हाई दे आर डिफिकल्ट टू रेगुलेट। तो होप पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्सेस में क्लियर हो गई होंगी। और क्या इफेक्ट होता है आपका यूट्रोफिकेशन का, तो टॉक्सिसिटी, न्यू स्पीसीज इन्वेजन, डिक्रीज बायोडायवर्सिटी और डिक्रीज इन स्पीसीज रिचनेस एंड डायवर्सिटी, टॉक्सिक एरोजोल्स इन माइक्रो एनवायरनमेंट, याद रखना है ये सब कुछ इफेक्ट है यूट्रोफिकेशन का। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म जब मर जाएंगे, प्लांट जब अपने आप खुद ब खुद डेथ हो जाएंगे, तो स्पीसीज रिचनेस का हो, डायवर्सिटी का हो, बायोडायवर्सिटी का हो, सब कुछ कम हो जाएगा और टॉक्सिकिटी बढ़ जाएंगी, है ना। अब आते हैं पॉलिसीज या फिर आपका मिटिगेशन जो यूट्रोफिकेशन के लिए, यूट्रोफिकेशन को कर्व करने के लिए किए जाने चाहिए, तो वही बात है, रीस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, क्रिएट बफर जोन्स फॉर सेडिमेंट्स टू कलेक्ट, है ना, नाइट्रोजन टेस्टिंग करवाया जाए, इंडस्ट्रियल वॉश ट्रीटमेंट एफिशिएंसी हो, रिड्यूस लाइव स्टॉक डेंसिटीज, रिड्यूस नॉन पॉइंट पॉल्यूशन, क्योंकि इसे हम रेगुलेट नहीं कर पाते, है ना, तो नॉन पॉइंट सोर्सेस पॉल्यूटेंट्स को रेगुलेट या फिर रिड्यूस करना जरूरी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हार्मफुल अल्गल ब्लूम की, क्या है आपका हार्मफुल अल्गल ब्लूम। तो जब हम बात करते हैं हार्मफुल अल्गल ब्लूम की, तो आपका क्या हो जाता है इसमें, अल्गल ब्लूम की बात करते हैं, एक्सेसिव मल्टीप्लाइंग ऑफ एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन ड्यू टू फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, है ना, अल्गल ब्लूम का बात हमने कर लिया। इसके तहत क्या है कि मल्टीप्लाइंग ऑफ एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन ड्यू टू फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, ये न्यूट्रिएंट। लेकिन हार्मफुल अल्गल ब्लूम क्या होगा, व्हेन सच अल्गल ब्लूम प्रोड्यूसेस टॉक्सिंस इट अफेक्ट्स मैराइन ऑर्गेनिज्म दस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ और अल्टीमेटली प्रोड्यूसर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, डायटम, साइनोबैक्टीरिया, डायफैंगलोमाइट्स। ब्लूम्स कैन बी ड्यू टू नंबर ऑफ रीजन, टू कॉमन कॉज न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट एंड वार्म वाटर, याद रखना है ब्लूम्स कैन बी कॉज ड्यू टू नंबर ऑफ रीजन, लेकिन दो कॉमन कॉज न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाए या फिर वार्म वाटर हो जाए, है ना, ये बिल्कुल याद रखना है। और डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो वार्म वाटर में इजिली मिक्सअप नहीं होते, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो अल्गल ब्लूम की बात कर लिया, हार्मफुल अल्गल ब्लूम की बात कर लिया, है ना, तो ये याद रखना है आपको। अब हम आते हैं प्रोड्यूसिंग हाई बायोमास ग्रीन टाइड्स या फिर प्रोड्यूसिंग टॉक्सिंस या फिर रेड टाइड, ये कंसेप्ट आपको याद रखने, ये आपको बेसिकली जब आप कभी लेक विजिट करोगे तो आपको ये कलर देखने को मिलेगा, है ना। तो अगर हाई बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है तो समझ लेना ग्रीन टाइड है, अगर टॉक्सिंस प्रोड्यूस हो रहा है तो याद रखना रेड टाइड्स है ना। तो प्रोड्यूसिंग हाई मास या ग्रीन टाइड्स क्या है, मैकेनिकल डिस्टर्बेंसेस, शेडिंग, क्लोजिंग वाटर एंड ओवर ग्रोथ, म्यूकस एंड फॉर्म फॉर्मेशन, और देख सकते हो प्रोड्यूसिंग टॉक्सिंस, इसमें सेल्फिश पॉइजनिंग, डायरेक्ट लीदर टॉक्सिसिटी, एम्ब्यूस प्रेडेशन, तो ये सब आप देख सकते हो, ये याद रखना है आपको, प्रोड्यूसिंग हाई बायोमास या ग्रीन टाइड्स और दूसरा आपका प्रोड्यूसिंग टॉक्सिंस या रेड टाइड। और आर हार्मफुल अल्गल ब्लूम्स डेंजरस टू फिश एंड ह्यूमन, तो जाहिर सी बात है जब भी अल्गल ब्लूम होगा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाएगा, फिश सफोकेट एंड डाइड, और जब फिश सफोकेट एंड डाइड तो अल्टीमेटली ह्यूमंस की फूड सिक्योरिटी पर खतरा हो जाएगा, ओ2 लेवल ड्रॉप ड्यू टू डीकंपोजिशन ऑफ डेड एल्गी, पोटेंट न्यूरोटॉक्सिंस दैट आर प्रोड्यूस्ड कैन इंटर फूड वेव दस रीचिंग एनिमल फिश एंड इवन ह्यूमन, सम टॉक्सिंस बिकम्स एयरबोर्न, पीपल टेंड टू ब्रीथ एरोलाइज्ड एचएवी टॉक्सिंस नियर द बीच, चेंजेस इन क्लाइमेट कैन चेंज सेवियरिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ एचएवी इवेंट। अब आते हैं वेटलैंड इकोसिस्टम, वेटलैंड इकोसिस्टम काफी महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसको आप छोड़ ही नहीं सकते एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो अगर हम बात करें वेटलैंड इकोसिस्टम की, तो वेटलैंड इकोसिस्टम बेसिकली ट्रांजिशन जोन बिटवीन डीप वाटर एंड टेरिस्ट्रियल हैबिटेट, ये तो आपका
एक कॉन्सेप्ट हुआ वेटलैंड का, लेकिन रियलिटी में वेटलैंड काफी ब्रॉडर टर्म्स यूज होते हैं। इसमें आपका एरिया ऑफ मार्स, पीट लैंड और वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल और परमानेंट। तो हमने देखा वेटलैंड का डेफिनेशन एज पर द रामसर कन्वेंशन, है ना, एरिया ऑफ मार्स, पीट लैंड और वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, परमानेंट और टेम्पररी, विथ वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग। फ्रेश वाटर हो सकता है, ब्रेकिस और साल्टी हो सकता है, इंक्लूडिंग एरिया ऑफ मैराइन वाटर, डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर। याद रखना है आपको, ये रामसर कन्वेंशन का डेफिनेशन है जिसमें बोल रहा है एरिया ऑफ मैराइन वाटर, डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर्स। ये आप अच्छे से रट लेना, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2nd of Feb एवरी ईयर सेलिब्रेट किए जाते हैं। और फिर रिसेंट अल्टरेशन इन वेटलैंड रूल 2017 जो किए गए, देख सकते हो, रट लेना, रिसेंट अल्टरेशन या चेंजेस इन द वेटलैंड रूल 2017 क्या है, स्टेट कैन अल्टर एक्टिविटीज prohibited in wetland, रट लेना, state can alter activities prohibited in wetland along with delineate wetland development of integrated plan किया जा सकता है ना। All wetlands except river channels, paddy fields, human made water bodies for drinking water, aquaculture, salt production can be notified। याद रखना है, all wetland except river channels, paddy fields, human made water body for drinking water, aquaculture, salt production can be notified। और अब हम आते हैं नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी कि NPCA। याद रखना है आपको, जब हम बात करते हैं नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो ये आपका सिंगल कंजर्वेशन प्रोग्राम है दैट कवर बोथ वेटलैंड एंड लेक्स। रट लेना है, लेक और वेटलैंड दोनों कवर करता है। और ये जो है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और करंटली इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। रट लेना, ये प्लान 2015 में लाई गई थी बाय मर्जिंग द नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान प्लस नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्लान। याद रखना है आपको, दैट्स व्हाई इट कवर्स लेक एंड वेटलैंड मेंटेनेंस, है ना। तो 2015 में ये प्लान बनाई गई थी बाय मर्जिंग ऑफ द नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान एंड द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। और फिर NPCA सीक्स टू प्रमोट बेटर सिनर्जी एंड अवॉइड ओवरलैप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। और ये देख लो वेटलैंड स्टेटस देख लो आप, ये जो आपका ब्लू कलर में देख रहे हो इनलैंड वेटलैंड जो कि नेचुरल है यानी कि भारत में सबसे ज्यादा अप्रोक्स 43.4% ये आपका इनलैंड वेटलैंड है। और फिर ये जो आपका रेड कलर में है वो आपका 25.83% मेन मेड वेटलैंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका इनलैंड वेटलैंड विच इज नेचुरल उसका शेयर सबसे ज्यादा है, और इनलैंड वेटलैंड विच इज मेन मेड उसका शेयर 25.83% है। कोस्टलैंड वेटलैंड में देख सकते हो नेचुरल 24.27 है, और फिर कोस्टल वेटलैंड मेन मेड बहुत ही कम 2.86% है। तो हमें तो याद रखना है 43.4% किसका इनलैंड वेटलैंड नेचुरल, और इनलैंड वेटलैंड मेन मेड 25.83% है। और उसके बाद क्या याद रखना, फंक्शंस ऑफ वेटलैंड, जाहिर सी बात है, हैबिटेट टू वेरियस स्पीसीज, सेडिमेंट फिल्ट्रेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल, डिजास्टर मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, प्रिवेंट इरोजन, स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्टेबलाइज लोकल क्लाइमेट, नेचुरल हेरिटेज, रीजंस फॉर डिप्लीशन, लैंड यूज चेंज फॉर एग्रीकल्चर, सैंड रिमूवल फ्रॉम बेड्स, ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, डोमेस्टिक वेस्ट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर रन ऑफ, हजार्डियस इंडस्ट्रियल वेस्ट, एक्वाकल्चर, मिटिगेशन की देख लो, यूट्रोफिकेशन एबेटमेंट, environmental awareness, afforestation, soil conservation, weed control, artificial regeneration, wildlife conservation, heritage management. अब याद रखो आप, according to, अब हम ये देख लो, lakes को कैसे define किया जा रहा है और wetlands को कैसे define किया जा रहा है। तो as per the, ये आपका जो है national, किसकी बात हम कह रहे थे, National Lake Conservation Program, NLCP, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम के अनुसार लेक जो है मिनिमम डेप्थ जो होना चाहिए 3 मीटर का होना चाहिए, और वेटलैंड के लिए जो आपका मिनिमम डेप्थ है वो लेस देन 3 मीटर का होना चाहिए, और लेक का ओरिजिन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस हो सकता है, और वेटलैंड ओरिजिन ड्यू टू जियोमॉर्फिक प्रोसेस, लेक्स की ही बात करें तो माइनर वाटर लेवल चेंजेस, स्मॉल पीलियोलॉजिकल रेशियो, नो वास्ट ट्रीटमेंट अकर्स हियर, लो प्रोडक्टिविटी, लो बायोडायवर्सिटी, ओलिगोट्रॉपिक स्टेटस, डज नॉट मैनेज फ्लड कंट्रोल, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। अगर वेटलैंड के करेक्टरिस्टिक को देखें तो मेजर वाटर लेवल चेंजेस, लार्ज पेलेजियल रेशियो,
Pelezial ratio, wash treatment occurs, high productivity, high biodiversity, eutrophic, याद रखना high biodiversity, high productivity, दो characteristic wetland के, very significant in managing floods, no thermal stratification, और lakes में thermal stratification होता है, wetland में thermal stratification नहीं किए जाते, और basically, ये याद रखना, large pelezial ratio होता है इनका, और फिर क्या मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कंट्रोल ऑफ यूट्रोफिकेशन एंड हाई वाटर क्वालिटी इसका तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं अब आ जाओ रामसार क्राइटेरिया फॉर वेटलैंड आइडेंटिफिकेशन ये तो आपको रटना ही होगा रामसार क्राइटेरिया फॉर वेटलैंड आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले तो हमें रामसार कन्वेंशन के बारे में जानने की जरूरत है क्या है ये आपका रामसार कन्वेंशन तो जब हम बात करते हैं रामसर कन्वेंशन की तो ये जो रामसर कन्वेंशन है ये आपका इंडिया ने रामसर में साइन किया था विच इज इन ईरान 1971 में और करंटली एज ऑफ दिसंबर 2020 अभी कुछ फिर अपडेट हुए हैं शायद है ना 42 रामसर साइट्स इन इंडिया एज ऑफ दिसंबर 2020 अपडेट कर लेना और सोल ट्रीटी फॉर पार्टिकुलर इकोसिस्टम याद रखना आपको है ना डेडिकेटेड वेटलैंड के लिए ही है ये इसमें लेक रिवर एस्टुरी स्वैम मैंग्रोव कोरल रीफ ओएसिस वेटलैंड वेटलैंड डेल्टा टाइडल फ्लेट फिश पॉन्ड्स राइस पेडल रिजर्वर साल्ट पेड ये भी आ जाता है राइस पेडल सब भी आ जाएंगे है ना तो काफी ब्रॉडर डेफिनेशन है इसके तहत रामसर क्राइटेरिया क्या है फॉर वेटलैंड आइडेंटिफिकेशन तो देख सकते हो साइट्स कंटेनिंग रेयर और यूनिक वेटलैंड टाइप पहली बात तो ये और दूसरा क्राइटेरिया बेस्ड ऑन स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल कम्युनिटी जो तीसरा है स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन वाटर बॉडी ये रट लेना स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन वाटर बर्ड्स यानी कि इफ इट सपोर्ट्स 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स एंड इफ इट सपोर्ट 1% इंडिविजुअल्स ऑफ सिंगल स्पीसीज तो ये आपको क्राइटेरिया याद रखने है ना तो स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन वाटर बर्ड अगर देखा जाए तो इफ इट सपोर्ट 20,000 और मोर एंड इफ इट सपोर्ट 1% इंडिविजुअल ऑफ सिंगल स्पीसीज स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन फिश है एंड याद रखना है आपको रामसर कन्वेंशन वर्क्स विद द कोलैबोरेशन ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन IUCN बर्ड लाइफ इंटरनेशनल IWMI यानी कि इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वेटलैंड इंटरनेशनल विल्ड फॉल एंड वेटलैंड ट्रस्ट एंड WWF इंटरनेशनल तो ये क्राइटेरिया आपको याद रखने हैं स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन वाटर बर्ड इफ इट सपोर्ट 20,000 और मोर एंड इफ सपोर्ट्स 1% इंडिविजुअल ऑफ अ सिंगल स्पीसीज तो ये आपका कहला जाएगा और हमें तो भाई साहब रटना है जो न्यूली एडेड रामसर साइट है आई थिंक पहले 37 थे और 58 किए गए तो 38, 39, 10, 11, 12 तो ये आसान बैरेज याद रखना आसान बैरेज जो है आपका कहाँ पर है उत्तराखंड में रट लेना ये लोकेशन आपका बेहद ही महत्वपूर्ण है आसान बैरेज उत्तराखंड में कांवड़ ताल और कंवर ताल ले कहाँ पर है बिहार बेगूसराय में है ना रट लेना है आसान बैरेज उत्तराखंड में कंवर ताल या फिर कांवर ताल लेक कहां पर बिहार बेगूसराय में सुर सरोवर उत्तर प्रदेश आगरा में लोनार लेक महाराष्ट्र का बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट में सोकर लद्दाख लेह डिस्ट्रिक्ट में तो ऐसे ही पूछे जाते हैं ना आसान ब्रिज उत्तराखंड में कांवर ताल या फिर कंवर ताल बिहार बेगूसराय में सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में और लोनार लेक महाराष्ट्र में सोकर लद्दाख में और आते हैं ये जो आपका मोंट्रेक्स रिकॉर्ड है ये भी मोंट्रेक्स रिकॉर्ड ये जो आपका इसी का है रामसर का रामसर के तहत ही मोंट्रेक्स रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है ये रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट है ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वेयर चेंजेस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड और अकरिंग और लाइकली टू अकर इन फ्यूचर ड्यू टू द पॉल्यूशन और अदर ह्यूमन इंटरफेस और याद रखना है एस्टैब्लिश्ड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज 1990 में साइट्स में भी एडेड और रिमूव्ड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज याद रखना है साइट्स में भी एडेड और रिमूव्ड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज और मोनिट्रेस रिकॉर्ड साइट्स हमारे देश में अभी कौन है अभी फिलहाल जो है याद रखना है चिलिका लेक था ओडिशा में बेसिकली हटा दिया गया चिलिका लेक को 1993 में रखे गए थे ड्यू टू द चोकिंग एट माउथ बाद में 2002 में हटा दिया गया और अल्टीमेटली इसको रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड फॉर 2002 मिला भी है और दूसरा है आपका लोकटक लेक मणिपुर में इसको 1993 में ही डाला गया था ड्यू टू डिफोरेस्टेशन इन एरिया एंड पॉल्यूशन करंटली मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में तो है कियोलादे नेशनल पार्क राजस्थान में प्लेस इन 1990 ड्यू टू वाटर शॉर्टेज एंड अनबैलेंस ग्रेजिंग अराउंड करंटली मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में तो है भाई अब आते हैं हम इस्टुरी इकोसिस्टम के बारे में इस्टुरी इकोसिस्टम और कुछ भी नहीं है इस्टुरी इकोसिस्टम की सिंपली सी बात करें तो एरियाज
वेयर रिवर मीट्स द सी, याद रखना है ना। और जब ये मीट करता है तो अल्टीमेटली क्या होगा, रिजल्टिंग इन मिक्सचर ऑफ फ्रेश रिवर वाटर विथ साल्टी ओशियन वाटर, डेफिनेटली है ना। तो एस्चुरी इज द रीजन जहां पर फ्रेश वाटर मीट कर जाते हैं साल्टी ओशियन वाटर से। कंडीशन फॉर एस्चुरी फॉर्मेशन कैसे बन सकते हैं, तो जाहिर सी बात है राइजिंग सी लेवल हो गया तो बन सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सैंड एंड सैंड बार तो भी ये बन सकते हैं, ग्लेशियर प्रोसेस टेक्टोनिक प्रोसेस कारण बहुत सारे हैं एस्चुरी फॉर्मेशन के, राइजिंग सी लेवल, मूवमेंट ऑफ सैंड एंड सैंड बार, ग्लेशियर प्रोसेसेस, टेक्टोनिक प्रोसेसेस। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिल्टर फॉर रिवर वाटर है ना, ट्रैप मड्स एंड सैंड्स, सेमी इनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी, कनेक्शन विद द ओपन सी, सैलिनिटी जो रेंज है इसका 0 से 35 ppt, हैवीली पॉपुलेटेड, लिटिल वेव एक्शन, और बायोलॉजिकली मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन होता है, याद रखना है, रिसीव द हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फ्रेश एंड मैरीन वाटर, इसीलिए फ्लोरा, होम टू यूनिक एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स जैसे सी टर्टल, सी लायन, सी कैटफिश, साल्ट वॉट्स, ईगल ग्रास, साल्ट ग्रासेस, कोड ग्रासेस, सी ग्रासेस, ये सब से। और याद रखना है अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिविंग अलोंग एस्चुरीज एंड द कोस्ट, है ना, रट लेना, अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग अलोंग द एस्चुरीज एंड द कोस्ट। बेनिफिट क्या होते हैं, कमर्शियल फिशिंग करवाए जा सकते हैं, पोर्ट एंड हार्बर, ट्रेवल एंड टूरिज्म, इकोनॉमिक सोशल बेनिफिट, वाटर प्यूरिफिकेशन, ब्रीडिंग हॉटस्पॉट, रिक्रिएशनल एंड कम्युनिटी बेनिफिट, यूरोजन प्रोटेक्शन, स्टोर्स एंड रिसाइकल्स न्यूट्रिएंट। इस चूरीज इन इंडिया की बात करें तो याद रखना है, वैसे तो इंडिया है 14 मेजर, 44 मीडियम एंड 162 माइनर रिवर। मेजर इस चूरीज आपको बे ऑफ बंगाल रीजन में, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में भी आपको मिल जाएंगे। इश्यूज रिलेटिंग टू इंडियन एस्चुरी इकोसिस्टम, तो मॉडिफिकेशन ऑफ कैचमेंट एरिया किया जा रहा है, पॉल्यूशन है, रिक्रिएशन एंड अनसस्टेनेबल टूरिज्म है, इंक्रीज ड्रेजिंग एंड शिपिंग, अनसस्टेनेबल लैंड यूज पैटर्न, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, क्लाइमेट चेंज। अब आते हैं मैंग्रोव इकोसिस्टम की, तो मैंग्रोव हमेशा याद रखना है डिटोरल प्लांट्स है लाइक ट्रीज बुशेस, हैविंग एक्सेप्शनल कैपेसिटी फॉर साल्ट वाटर टॉलरेंस है ना, इसका मतलब हेलियोफाइटिक एडेप्टेबिलिटी, ग्रोइंग बिलो हाई वाटर लेवल ऑफ स्प्रिंग टाइड्स है ना। करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इवर ग्रीन लैंड प्लांट्स ग्रोइंग ऑन टाइडल फ्लैट डेल्टा एस्चुरी बेस क्रीक्स एंड बैरियर, हाई एडेप्टेशन टू सैलिनिटी, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब फ्रेश वाटर फ्रॉम सैलाइन वाटर एंड रिक्वायर हाई सोलर रेडिएशन, प्रोड्यूस न्यूमेटोफोर्स, याद रखना है न्यूमेटोफोर्स और कुछ नहीं, मैंग्रोव्स के जो आपके ब्लाइंड रूट्स है उसी को कहते हैं न्यूमेटोफोर्स, याद रखना है, प्रोड्यूस न्यूमेटोफोर्स या ब्लाइंड रूट्स टू ओवरकम द रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, हैव लेंटिकुलेट बैंक्स दैट फैसिलिटेट वाटर लॉस, और क्या सेक्रेट एक्सेस साल्ट, बिल्कुल सही, कैसे, थ्रू लीव्स और ब्लॉक एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट एट देयर रूट, एडवेंटेजियस रूट्स आल्सो कॉल्ड स्टिल्ट रूट, रिड्यूस इनंडेशन एंड मॉडरेट मॉनसून टाइडल फ्लड, बिल्कुल सही, प्रिवेंट कोस्टल फायर इरोजन, एनहांस न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग, सोर्सेज ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट, एडिबल प्लांट, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और अगर बात करें कुछ थ्रेड्स की, तो मैंग्रोव्स आर डिस्ट्रॉयड एंड कन्वर्टेड फॉर द यूज ऑफ एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, फ्यूल, इंडस्ट्रियल पर्पजेज एंड केमिकल फर्टिलाइजर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैंग्रोव्स इन इंडिया, तो इंडिया हाउसेज द लार्जेस्ट मैंग्रोव्स इन द वर्ल्ड, याद रखना सुंदरबन है ना, तो इंडिया हाउसेज द लार्जेस्ट मैंग्रोव्स ऑफ द वर्ल्ड दैट इज सुंदरबन, एंड सुंदरबन इज होम टू रॉयल बंगाल टाइगर एंड क्रोकोडाइल, रट लेना है, सुंदरबन इज होम टू रॉयल बंगाल टाइगर एंड क्रोकोडाइल, और ओडिशा का जो भितरकर्णिका मैंग्रोव है सेकेंड लार्जेस्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, पहला तो सुंदरबन है, दूसरा ओडिशा का भितरकर्णिका मैंग्रोव, सेकेंड लार्जेस्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अदर्स कहाँ पे मिल जाते हैं, गोदावरी कृष्णा डेल्टा रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, गुजरात में दे आर फाउंड इन गल्फ ऑफ कच्छ, रट लेना, आंध्र प्रदेश का जो गोदावरी कृष्णा डेल्टा एक रीजन है, गुजरात में आपका गल्फ ऑफ कच्छ और कोरी क्रीक है, अंडमान एंड निकोबार में तो मिल ही जाएंगे। कंडीशन ऑफ मैंग्रोव्स इन सम पार्ट ऑफ इंडिया इंप्रूविंग व्हाइल इन सम पार्ट ऑफ एक्सपीरियंसिंग डिग्रेडेशन। बात करते हैं यूटिलिटी ऑफ मैंग्रोव्स की, तो इट प्रोटेक्ट्स ओवर लैंड फ्रॉम स्टॉर्म हुरिकेन विंड्स वेयर फ्लड्स प्लस प्रिवेंट इरोजन बाय स्टेबलाइजिंग सेडिमेंट्स विद टैंगल रूट सिस्टम, बिल्कुल सही, मेंटेन वाटर क्वालिटी एंड क्लैरिटी, फिल्टरिंग पॉल्यूटेंट, ट्रैपिंग सेडिमेंट्स, प्रोवाइड नर्सरी हैबिटेट फॉर मैनी कमर्शियल फिश। अब आ जाते हैं कोरल रीफ्स एंड रिलेटेड इश्यूज, इस पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। कोरल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, तो कोरल्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म बट दे लिव्स इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद जियोसेंथली एंड बोथ हैव अ म्यूचुअल टाइप ऑफ रिलेशन। टू प्रकार के कोरल्स होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट, ओनली हार्ड कोरल्स बिल्ड रीफ, रट लेना है ना, टू टाइप ऑफ कोरल, हार्ड एंड सॉफ्ट, एंड ओनली हार्ड कोरल बिल्ड्स रीफ, क्योंकि सॉफ्ट का टिकेगा नहीं।
Majority of coral reefs are found in tropics and subtropical water. However, there are exceptions of deep water corals, colder region में मिल जाते हैं। अब ये देख लो aspects of coral reef. तो aspects of coral reef की बात करें तो आपका zooxanthellae हो गया, जिसमें क्या होते हैं assist corals in nutrient production through photosynthesis activities, है ना? तो याद रखना aspects of coral reef zooxanthellae होंगे ही होंगे. क्यों? क्योंकि ये zooxanthellae जो है assist the coral nutrient production में through photosynthesis. तो zooxanthellae आपके प्लांट्स हो गए और जो आपका एनिमल्स है वो कोरल्स है, दोनों के सिम्बायोटिक रिलेशन रहते हैं. तो डेफिनेटली न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन, एक को घर मिलता है एक तो न्यूट्रिएंट मिलता है. प्रोवाइड फिक्स्ड कार्बन कंपाउंड, इनहांस कैल्सिफिकेशन, मेडिकेट एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स. कलरेशन कहां से मिलता है? टिश्यूज ऑफ कोरल्स आर क्लियर व्हाइट. याद रखना है कोरल्स रिसीव कलर फ्रॉम zooxanthellae लिविंग विद इन द टिश्यूज. लेकिन है ना कोरल पॉलिप क्या प्रोटेक्ट zooxanthellae एंड सप्लाइज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. आप देख सकते हो टाइप्स है आपका. फ्रीजिंग रीफ मोस्ट कॉमन मिलेंगे आपको कंटिजियस विद द सोर, यानी कि सोर से अटैच्ड है. आपको अंडमान में देख लो जाके पैचरी आइसोलेटेड एंड डिसकंटिन्यूअस लाइंग शोरवर्ड ऑफ ऑफशोर रीफ और सीन इन पाकवे गल्फ ऑफ मन्नार एंड कच्छ. याद रखना है पैच रीफ का एग्जाम्पल पाकवे गल्फ ऑफ मन्नार कच्छ. लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कोरल रीफ आपको कहीं ना कहीं गुजरात में मिलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार कच्छ वाले रीजन में. और नाम से पता चला पैच यानी कि आइसोलेटेड एंड डिसकंटिन्यूअस लाइंग शोरवर्ड ऑफ ऑफशोर रीफ. जो आपका दूसरा है तीसरा बैरियर रीफ, यानी कि बैरियर रीफ क्या करेंगे लीनियर ऑफशोर स्ट्रक्चर होगा, है ना, रन पैरेलल टू द कोस्ट लाइन. वाटर बॉडी बिटवीन रीफ एंड शोर इज कॉल्ड लगून. और फिर देख सकते हैं वाटर बॉडी बिटवीन रीफ एंड शोर, बिल्कुल सही, लगून होगा सीन इन निकोबार एंड लक्षद्वीप. अटोल तो आपको ही पता सर्कुलर और सेमी सर्कुलर रीफ अराइज फ्रॉम सबसाइडिंग सी फ्लोर प्लेटफॉर्म और अल्टीमेटली सीन इन निकोबार एंड लक्षद्वीप. यहाँ पर भी आपको बेसिकली लगून देखने को मिलेगा. और हम आते हैं एडवांटेज के बारे में. तो एडवांटेज तो है ही भाई साहब, नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर्स अगेंस्ट स्टॉर्म्स एंड सॉइल इरोजन, फूड मिलता है, मेडिसिन, टूरिज्म, मेट्रोलॉजी, कैप्चर न्यूट्रिएंट्स एंड प्लैंकटन फ्रॉम वाटर, लार्जेस्ट बायोजेनिक कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसर, होम टू वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, सोर्सेस ऑफ न्यू मेडिसिंस बीइंग डेवलप्ड टू ट्रीट कैंसर, आर्थराइटिस, ह्यूमन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, अल्जाइमर डिजीज, ये सब कुछ है आपके. कोरल ब्लीचिंग की अगर हम बात करें तो देख सकते हो कोरल ब्लीचिंग का क्या मतलब होता है. पहली बात तो ये याद रखना विदाउट एल्गी coral loses its major source of food, turns white or pale and is more susceptible to disease and eventually starvation to death. Bleaching of corals occurs when densities of zooxanthellae decline and or concentration of photosynthetic pigments within zooxanthellae fall. Global warming induces threat to coral, unsustainable fishing, water pollution, marine debris, habitat destruction. Ongoing bleaching event dekh sakte ho, over 4000 miles of coral reefs in Fiji bleach ho rahe hain. Third mass bleaching of Great Barrier Reef. और देख सकते हो इकोलॉजिकल कॉजेज ऑफ कोरल ब्लीचिंग, टेम्परेचर रेगुलेशन प्रभावित हो सकते हैं, एनामोनसली लो एंड हाई टेम्परेचर रिड्यूस ब्लीचिंग, सोलर इरिडेंस, ब्लीचिंग ड्यूरिंग समर्स अकर्स ऑन एक्सपोज्ड एंड शैलो लिविंग कोरल, सब एरियल एक्सपोजर, सडन एक्सपोजर टू एयर ड्यूरिंग सी लेवल ड्रॉप या टेक्टोनिक मूवमेंट्स अफेक्ट कोरल, सेडिमेंटेशन, फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ ब्लीचिंग लिंक्ड टू सेडिमेंट, फ्रेश वाटर डायल्यूशन थ्रू रेड रैपिड डायल्यूशन फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एंड रन ऑफ कॉजेज ब्लीचिंग, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जैसे इंक्रीज इन एंबिएंट एलिमेंटल न्यूट्रिएंट कंटेंट इनडायरेक्टली कॉजेस ब्लीचिंग, ज़ेनोबायोटिक्स. तो ज़ेनोबायोटिक्स क्या है? एक्सपोजर टू केमिकल्स लाइक सीयू हर्बिसाइड ऑयल लीड्स टू zooxanthellae लॉस. याद रखना ज़ेनोबायोटिक्स का मतलब एक्सपोजर टू केमिकल्स लाइक सीयू हर्बिसाइड्स ऑयल लीड टू zooxanthellae लॉस. एपिजूओटिक्स का क्या मतलब है? इट इज अ टाइप ऑफ पैथोजेन इंड्यूस्ड ब्लीचिंग, है ना. तो एपिजूओटिक्स मतलब pathogen induced bleaching और xenobiotics का मतलब exposure to chemical like CU herbicides and oil lead to zooxanthellae loss. तो ये हमारी coral खत्म हो गई. अब अगले chapter में बहुत ही खास biodiversity के ऊपर class करेंगे. आज के लिए इतना ही. thank you very much.